बैठ जाओ। अब दिशा वाला तो मैंने बोल दिया, बाद बार तो मैंने बोला नहीं है। सर आज आपकी बैठक थी यहाँ पर दिशा के आज दिशा कमेटी की हमारी बैठक थी, जिसमें कि सभी विभागों के जो विभिन्न योजनाएं जो केंद्र प्रायोजित योजना है उसकी समीक्षा की गई। और मैं समझता हूं कि काफी अंतराल के बाद हमारी ये बैठक आज हुई है, जिसमें कि विभिन्न विभागों की जो प्रोग्रेस लास्ट क्वार्टर से लेकर अभी तक की रही और जो टारगेट्स हमने पिछली बार दिए थे उनका रिव्यू हमने किया है। और मैं समझता हूँ आने वाला समय, क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं और इस बार गर्मियाँ कुछ एडवांस में हैं, तो पीडब्ल्यू विभाग के लिए तो खैर अच्छा समय है। हमने टारगेट्स दिए हैं कि जल्दी से जो टारिंग के काम उनको किया जाए, और आईपीएच विभाग या जल शक्ति विभाग उसका काम बढ़ जाएगा, क्योंकि इस बार सर्दियों में बारिश भी कम हुई और बर्फबारी भी कम हुई, इसलिए पीने के पानी की लेकर विभाग को चुस्त दुरुस्त रहने की आवश्यकता है, ऐसा हमने कहा है। बाकी अन्य विभाग, चाहे हमारा हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर है, शिक्षा विभाग है, या स्मार्ट सिटी जो कि स्मार्टली काम कर रही है, मुझे आज की जो हमने बैठक की उसमें एक नया प्रोजेक्ट भी इन्होंने गार्बेज कलेक्ट करके उसका डिस्पोजल करके इलेक्ट्रिसिटी बनाना, एक पहला प्रोजेक्ट देश का हिमाचल प्रदेश में और शिमला स्मार्ट सिटी के अंतर्गत लग रहा है। मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी पहल है, और अगर ये हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो पूरे प्रदेश में और इस पूरे देश भर में भी हम उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। स्पेशली जहाँ तक जो कचरा प्रबंधन को लेकर है, मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी पहल की है, और मैंने आग्रह किया है MC के जो हमारे अधिकारी हैं कि उसकी उसको लेकर एक अवेयरनेस कैंप और लोगों को भी उसकी जानकारी दी जाए, एक एक्सपोजर विजिट भी, अगर हमारा ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो एक्सपोजर विजिट भी वहाँ हमारे लोगों की करवाई जाए, ताकि लोगों को जो है आने वाले समय में अन्य क्षेत्रों में भी इस प्रकार के प्रोजेक्ट लगा सके, हम उस दिशा में हम आगे बढ़े। बाकी मैं समझता हूँ इस बार जो केंद्रीय बजट है उसमें हिमाचल प्रदेश को 8,478 करोड़ रुपया समर्पित हुआ है, जिसमें रेलवे में 1902 करोड़ रुपया और कालका शिमला के लिए भी लगभग 470 करोड़ रुपया रेलवे की दिशा में हमको मिला है, और अन्य क्षेत्रों में भी बजट का प्रावधान केंद्र के द्वारा किया गया है। इस बार का बजट ऐतिहासिक रहा है, जिसमें कि विशेष रूप से टूरिज्म इंडस्ट्री जो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है उसको उस दिशा में केंद्र ने विशेष जो है बजट इस बार रखा गया है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी इस बार के बजट में विभिन्न अलग अलग वर्गों को अलग अलग प्रकार से लाभ देने का काम जो है केंद्र की सरकार के द्वारा किया गया है। हर सेक्टर में इस बार ऐतिहासिक बजट मिला है, जैसा कि हम देख सकते हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना की हम बात करें, या हम जो है जैसा मैंने रेलवेज की बात की, या हम सड़कों की बात करें, या हम जल जीवन मिशन की बात करें, मैं समझता हूँ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने की बात करें तो इस बार बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी इस बार बढ़ाकर बजट दिया गया, स्वास्थ्य क्षेत्र में भी इसी प्रकार इस बार का बजट ऐतिहासिक है। तो कुल मिलाकर जो है एक ऐतिहासिक बजट इस बार जो है केंद्र की सरकार के द्वारा किया गया है। मैं माननीय मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से मध्यम वर्ग का भी इस बार विशेष ध्यान रखा गया है, और मैंने आग्रह किया कि जो हमारे जितनी भी केंद्र प्रायोजित योजना है जो उसमें बजट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो और कोई बजट का मिसयूज ना हो, जो टारगेट्स हमने रखे हैं उन टारगेट्स को हम समयबद्ध तरीके से अचीव करें और उसमें गुणवत्ता का भी ध्यान रखें। सर, भाजपा का हस्ताक्षर अभियान सरकार के निर्णयों के खिलाफ चल रहा है, अब भाजपा भी प्रदर्शन करने जा रही है, क्या उसकी जरूरत है? देखिए, हमने जो प्रदेश की सरकार ने जो डी नोटिफिकेशन करने का और डी नोटिफाई करने का जो एक मुहिम छेड़ी हुई है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश भर में सभी मंडलों में हस्ताक्षर अभियान चलाकर जन जागरण करने का काम हम कर रहे हैं, क्योंकि ये निर्णय बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उसमें चाहे संस्थान बंद करने की बात है, या जो हमारा हमीरपुर का जो अधीनस्थ सेवा कर्मचारी चयनों का जो कार्यालय था उसको बंद करने की बात है, या ऐसे जो भी निर्णय सरकार ले रही है उसके खिलाफ हमने जन जागरण अभियान छेड़ा हुआ है। और इसके बाद हमारा अभी मंडलों में कार्यक्रम हमारा हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से हो रहा है, और अब
जिला स्तर के ऊपर जो है हम धरना प्रदर्शन और इस प्रकार के कार्यक्रम जिसमें हमारा वरिष्ठ नेतृत्व जो है मुख्य भूमिका में होगा, तो वो हमारा कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। कुल मिलाकर लक्ष्य यही है कि जो सरकार का निर्णय, जो दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है, जो ऑफिस खुले थे वो जनता के हित में, लोक हित में, जनता की डिमांड के ऊपर खुले थे, लेकिन इन्होंने बिना सोचे समझे और एक नोटिफिकेशन से ही उनको नोटिफाई करने का, डी नोटिफाई करने का जो है निर्णय लिया है, दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार जो है अभी से सजग हो, सरकार जो मैं समझता हूँ शुरुआत में इस प्रकार के निर्णय लेके, जन विरोधी निर्णय लेके जो है आगे नहीं बढ़ सकती और सरकार सही दिशा में काम करे, ऐसा हमारी सरकार से मांग है। जो डी नोटिफाई इन्होंने कार्यालय किए हैं उनको दोबारा से नोटिफाई करे, और मुझे ऐसा लगता है कि इस दिशा में कुछ शुरुआत भी इन्होंने की है कि जो साइबर थाने इन्होंने बंद किए थे उनको दोबारा खोलने का निर्णय लिया। और मैं समझता हूं कि आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो अभियान चला हुआ है, इस सरकार को हम चेताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जन विरोधी निर्णय ला ले, प्रदेश को आगे ले जाने के लिए और प्रदेश को विकसित राज्य हमारा बन सके, जो विकास के काम इन्होंने ठप कर दिए उनको प्रारंभ करें ताकि हमारा हिमाचल प्रदेश आने वाले समय में और विकास कर सके, ऐसा मेरा कहना है। सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं संस्थानों में सरकार ने नोटिफाई किया, तो सरकार एक तरफ कह रही है कि बिना बजट के जो है इन्होंने संस्थानों को खोला था, चुनावों को देखते हुए ये संस्थान खोले गए थे। नहीं, ये ऐसा कहना मैं समझता हूँ सरासर गलत है। प्रदेश ने जो है 9 महीने पहले जो संस्थान खोले थे और उसके लिए बाकायदा कैबिनेट की मंजूरी और वहाँ फाइनेंस की अप्रूवल के बाद ही संस्थानों को खोला गया था, उसके बाद उनकी नोटिफिकेशन हुई थी। और इस प्रकार की बात करना मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी सरकार, जैसे ये अपनी सरकार की बात करते हैं कि हम जो गारंटियाँ 5 साल में पूरी करेंगे, तो इनकी सरकार 5 साल के लिए, हमारी सरकार 4 साल के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। इन्होंने जो है 1 अप्रैल के बाद संस्थान बंद किए हैं। हम मानते हैं अगर अंतिम महीने के या दिसंबर माह के कोई संस्थान होते, अक्टूबर नवंबर के होते तो बंद करते, तो हम मान सकते थे कि चुनाव को देखकर खोले गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सारे संस्थान बहुत समय के ऊपर खोले गए थे, बजट का प्रावधान किया गया था, और इस प्रकार की बात करना मैं समझता हूँ ये गलत है, ये सही नहीं है। इनको, इन्होंने बिना सोचे समझे, बिना रिव्यू किए, ये रिव्यू करते एक एक संस्थान को रिव्यू करते, जो फिजिबल नहीं लगता तो उसको बंद करते, लेकिन इस प्रकार की बात करना कि बजट का प्रावधान नहीं किया है, ये बात गलत है। सभी के लिए बजट का प्रावधान किया था और कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही संस्थान खुलते हैं, कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही खोले गए थे।